क्या हुआ है बाजार में जो इतनी गिरावट देखने के लिए मिली? निफ्टी बहुत दिनों बाद इतना बड़ा गिरावट देखने के लिए मिला है। पास्टली देख सकते हो, ऐसे बड़े कैंडल बनना बंद हो गए थे डाउन ट्रेंड में। उसी तरह आप अगर गोल्ड भी देखोगे तो मार्केट का ऑपोजिट में जाने वाला जो एसेट है गोल्ड, वो भी आज गिरा हुआ है। ओके, मैं आपको बाजार का पूरा सही पिक्चर दिखाऊंगा। देखिए, गोल्ड भी बहुत जोरों से गिरा हुआ है। प्रीशियस मेटल के चलते चांदी में भी बहुत जोरों से गिरावट आई है आज के दिन में। डायरेक्ट आपका लगभग 58,000 से 56,000, 2,000 रुपये आज चांदी में गिरावट आई है। कॉपर, जो की इंडिकेटर कहा जाता है इकोनॉमी का, उसमें भी गिरावट आया है। तो कॉमोडिटीज मार्केट प्लस आपका डॉलर में भी आप देखोगे तो नया लो टच किया हुआ है, 81 रुपये तक पहुंच गया डॉलर। तो कंटिन्यूअसली सारे एसेट्स का गिरना और मार्केट का गिरना क्या इंडिकेट करता है? सिंपल सी बात है दोस्तों, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए चारों तरफ इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है। तो इसी के चलते मार्केट में बहुत जोरों से मंदी देखने के लिए मिला है। एसेट्स जो बढ़ रहे थे, जैसे गोल्ड हो गया, मार्केट डाउन जाने पर वो बढ़ता था, उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिला है। ग्लोबली आज 28,000 करोड़ का नेट सेल देखने के लिए मिला है हमारे FII का। तो मार्केट में ये जो इंडिकेशन है बहुत बुरा इंडिकेशन है। तो लग रहा है आने वाले समय में अगर ये लो, इस कैंडल का जो लो बनाया था लगभग 29 अगस्त में 17,250, वो मेजर सपोर्ट है। अगर उसको तोड़ता है तो बाजार में आपको एक नया लो देखने के लिए मिल सकता है, जो कि लास्ट एक साल के अंदर देखने के लिए नहीं मिला है। तो मेजर सपोर्ट जो है वो है 17,250, उसके बाद 200 मूविंग एवरेज तक जा सकता है मार्केट। कल अगर मार्केट में स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दिया मंडे, तो हो सकता है मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में बहुत तेज़ी से गिरने लगे। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो। आप सेक्टर्स, इंडिकेटर्स देख इंडाइसेस, सेक्टर, ये सारे देखते ही हैं। उसके साथ ही दूसरे चीज़ें जैसे कमोडिटीज़ हो गया, करेंसी हो गया, उसके ऊपर भी फोकस बनाए रहें। थैंक यू वेरी मच इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक।